Hello everyone, welcome to eGurukul. In this video lecture we are going to discuss topic components of environment, yani pryavaran ke ghatak, which is from chapter 1 ecology paristhitiki. In the previous video I have already discussed what is ecology, paristhitiki kya hai. You can supplement these video lectures from Shankar's environment. सो लेट्स स्टार्ट इट. देखिए अब तक हमने पढ़ा है कि पर्यावरण क्या है, यानी व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज इकोलॉजी पारिस्थितिकी क्या है, ये दो टॉपिक. तो जो लेसन 1.1 था उसमें हमने देखा था एनवायरनमेंट के बारे में, और जो 1.2 था उसमें पढ़ा था इकोलॉजी के बारे में. तो एक बारी रिफ्रेश कर लेते हैं इसे. तो देखिए एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण क्या था, कि जो जीव है उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं जिनसे वो इंटरेक्ट कर रहा है, और चाहे वो सजीव है या निर्जीव चीज़ें हैं, तो उन जिनसे वो संबंध बना रहा है, जिनसे वो इंटरेक्ट कर रहा है, पारस्परिक संबंध यानी रेसिप्रोकल रिलेशंस वो बना रहा है, जैसे हवा हो गई निर्जीव, कोई दूसरा जीव हो गया सजीव, तो वो सब इस जीव के पर्यावरण कहलाते हैं. ये सभी चीज़ें इसका पर्यावरण कहलाता है. जबकि इकोलॉजी क्या था, ये जो जीव है इसका जो पर्यावरण है, इसके बीच में जो संबंध हो रहे हैं, जो पारस्परिक संबंध हो रहे हैं, उनकी अगर हम स्टडी करें कि कैसे वो जीव इनसे संबंध कर रहा है, कैसे ये चीज़ें इससे जीव से संबंध कर रही है, तो वो स्टडी कहलाती है हमारी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी. ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम इस लेक्चर में पर्यावरण के घटक क्या हैं, यानी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. तो जैसा हमने बात की कि जीव के चारों तरफ सजीव भी चीज़ें और जो निर्जीव चीज़ें हैं वो उसका पर्यावरण कहलाती है. तो इससे स्पष्ट होता है कि बायोटिक चीज़ें यानी जिनमें जान होती है, जिसको हिंदी में आप जैविक बोल सकते हो या सजीव चीज़ें बोलिए, ठीक है, या जिनमें जान होती है जीवित चीज़ें बोलिए, तो ये सभी इसका एक कंपोनेंट हो गई. उसके बाद हमने बात की थी ये फिजिकल यानी भौतिक चीज़ें जिनमें जान नहीं होती, तो उन्हें आप एबायोटिक या अजैविक बोल सकते हो, या निर्जीव चीज़ें भी बोल सकते हो, यानी उनमें जान नहीं होती, ठीक है. तो अजैविक बोलिए, एबायोटिक बोलिए या निर्जीव बोलिए, तो एक ये सेकेंड कंपोनेंट हो गया इसका. जबकि जैविक या बायोटिक, सजीव या जीवित, तो ये इसका एक कंपोनेंट हो गया. तो टोटल इसके कंपोनेंट क्या हुए, दो, ठीक है. तो अब इनको फर्दर हम इनको अगर देखें तो वेरियस कैटेगरी में ये आते हैं. तो इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल रहती हैं, जैसे जैविक की हम बात करेंगे तो जो हरे पादप यानी ग्रीन प्लांट्स जो रहते हैं, जो जीवित रहते हैं, देखिए उन्हीं की बात कर रहे हैं, मरने के बाद वो इस कैटेगरी में चले जाएंगे, ओके. इसके बाद हरे गैर हरे पादप यानी नॉन ग्रीन प्लांट्स भी कुछ होते हैं, जैसे अमरबेल का आप एग्जाम्पल लेंगे, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ओके. इसके बाद अपघटक डिकम्पोजर होते हैं, जैसे रिजोबियम एक डिकम्पोजर है. ये क्या है सब आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी जैसे एक ब्रॉड व्यू आप देख लीजिए. इसके बाद परजीवी पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये भी जैविक चीज़ों में, बायोटिक चीज़ों में. इसके बाद सहजीवी यानी सिम्बायोंट्स, ये देखिए सभी इसी लेसन में हम कवर करेंगे, यानी इसी चैप्टर में कवर करेंगे, नॉट इन दिस लेसन. तो आगे कुछ वीडियो में सब हम बता देंगे, डोंट वरी, ओके. इसके बाद पशु यानी एनिमल्स, मनुष्य यानी मैन, तो ये सब चीज़ें जिनमें जान है बेसिकली आप देख सकते हो, दीज आर लिविंग थिंग्स, तो ये सभी जैविक कंपोनेंट हो गए, ओके. इसके बाद आते हैं अजैविक यानी एबायोटिक, तो जैसे कुछ फोर्सेस हो गई, फंडामेंटल फोर्सेस, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी बोलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलिए. इसके बाद एनर्जी है, ऊर्जा, जब वो ताप ऊर्जा हो सकती है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा है वो इसमें आएगी. विकिरण रेडिएशन आप बोल सकते हो, ओके. इसके बाद आता है तलरूप यानी टोपोग्राफी. अब देखिए टोपोग्राफी क्या होता है, कि अर्थ के जो ऊपरी भाग होता है वो कहीं पे आप देखोगे ऐसे पठार बना हुआ है, यानी जो है पर्वत बना हुआ है, हिल बना हुआ है, कहीं पे घास के मैदान है, कहीं पे स्नोफॉल,
ओके, ग्लेशियर है मान लीजिए पहाड़ों के ऊपर ही, कहीं पे नॉर्मल पहाड़ है, सॉरी कहीं पे नॉर्मल पहाड़ है, तो ये सभी सॉरी तल रूप हो गए, इनको ही बोलते हैं टोपोग्राफी, यानी अर्थ किस कैसी दिखाई दे रही है। जो अर्थ का ऊपर वाला क्रस्ट वाला पार्ट है, लिथोस्फेयर वाला जो पार्ट है, वो कैसा दिखाई दे रहा है, तो वो सभी टोपोग्राफी बोली जाती है उस पर्टिकुलर जगह की। उसके बाद ताप है, ऊष्मा प्रवाह यानी टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। मृदा यानी सोइल जो है, जो ऊपरी लेयर होती है अर्थ के ऊपर, जो लिथोस्फेयर के ऊपर, ये एबायोटिक कंपोनेंट है। इसके बाद एटमोस्फेरिक गैसेस एंड विंड, जो हवा है और जो लहरें हैं वो गैसें हैं, वो सभी हमारी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट। इसके बाद एक और आ गया आग जो है हमारी, यानी फायर, वो भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है। तो आप देख सकते हो ऐसे हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पर्यावरण के घटक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को, जैविक यानी बायोटिक जिनमें जान होती है, मीन्स दे आर लिविंग थिंग्स, एंड अजैविक यानी एबायोटिक जो कि फिजिकल थिंग्स होती है जिनमें जान नहीं होती, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो यही था इस टॉपिक में। आई होप यू आर इंजॉइंग दी सीरीज। गुड डे, टेक केयर।